हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी उठक बैठक शुरू हो चुकी है। सभी सियासी दल एक दूसरे को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा अपने करनाल दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई, जिसके चलते दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास का मंदिर तोड़े जाने के विरोध में करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंदिर को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा यह 600 साल पुराना मंदिर था, जिसको तोड़कर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित के साथ है और इस मुद्दे पर भी वह आप लोगों के साथ खड़ी है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित गरीब की हितेशी रही है और मौजूदा सरकार में किसान वर्ग की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दोनों नेताओं ने गुरु रविदास जी के मंदिर दोबारा से बनाने की वकालत की है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधायक जिले राम शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री कुलदीप शर्मा जी, बहन सुमिता जी, रॉकी जी, अशोक जी, अन्य सभी साथीगण, आपने जो मुद्दा उठाकर यहाँ पर धरना दिया, हमारी पार्टी भी आपके साथ, हम सब लोग आपके साथ और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ हूँ। ये आपको मालूम है, आप जानते हैं। जब दिल्ली में ये बात हुई तो उस समय मैं खुद वहाँ पर गई थी, हमने स्थिति का जायज़ा लिया। लेकिन जैसी आप जानते हैं ये सरकार है, केंद्र की सरकार, इन्होंने वहाँ पर इतना हम बल्कि प्रशासन को कहकर गए कि हमारा कोई मकसद नहीं है, हम केवल जाकर वहाँ पर स्थिति देखना चाहते हैं, वो जगह कि क्या हुआ है वो देखना जा रहे हैं, स्थिति का जायजा लेने जा रहे हैं। हम तो थे चंद लोग, क्योंकि हमारा वहाँ कोई और मकसद नहीं था, हम केवल जाकर देखना चाहते थे और माला चढ़ाना चाहते। लेकिन उस दिन सरकार ने इतना बंदोबस्त कर दिया, ऐसे लग रहा था जैसे छावनी बना दी। हमने फिर भी वहां पर अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हमारे से आप 10 नाम ले लो और आप हमारे को खुद पुलिस अफसर हमारे को एस्कॉर्ट करते हुए वहां ले जाओ और एस्कॉर्ट करते हुए वापस ले आओ, कोई शरारत कहीं किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी या हम नहीं करेंगे, ना ऐसा हमारा कोई मकसद। लेकिन ये सरकार आप जानते हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दी। वहां के सारे लोग इस बात से उत्तेजित, और ना केवल वहां के और ना केवल एक समुदाय के, लेकिन आज देश भर में ये बात फैल गई और उसी कारण आप यहाँ बैठे। उसके चंद दिन बाद फिर धरना हुआ, वहां पर गए और हमारे ये साथी भी गए, लाठी चार्ज किया और कुछ किया, कितने से हमारे साथियों को इन्होंने अंदर कर दिया। ये ज्यादती हम गुजारिश करेंगे, ये सरकार उनको तुरंत रिहा करे, क्योंकि ये ऐसा मंदिर, ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक, 1507 में संत गुरु रविदास जी वहां पर आए थे, उन्होंने प्रवचन किया था और खुद सिकंदर लोधी उनका प्रवचन सुने। ऐतिहासिक जगह जहां पर होती है, मंदिर केवल एक समुदाय का नहीं हो सकता, भावनाएं केवल एक समुदाय की नहीं हो सकती। और मेरे साथी ने पहले भी कहा कि अनेकों मंदिर होते हैं जिनको आप छोड़ते हो, अनेकों मंदिर होते हैं जिनके लिए आप लड़ाइयां लड़ते हो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां चलती हैं,
तो क्या ये हमारा एक मंदिर इसको आप नहीं छोड़ सकते थे? सरकार चाहती तो कानून बना सकती, सरकार चाहती तो उस जमीन को छोड़ सकती थी डेवलपमेंट से। हमेशा किया जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो आज हुई है, पैदा हुई है। प्लानिंग ऐसे की जा सकती है, प्लान चेंज किए जा सकते, लेकिन ये सरकार संवेदनशील नहीं है। कुछ लोगों की भावनाओं के प्रति ये कुछ ज्यादा संवेदनशील है, और जो हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये असली चेहरा आ गया। से पहले भी आपने देखा जब एससी एसटी एक्ट हमने कानून पास किया, हमारी पार्टी हमेशा इसके प्रति संवेदनशील रही। महिला ढोने के खिलाफ हमने कानून पास किया, एससी एसटी एक्ट हमने किया, शुरू में राजीव जी ने किया, फिर हमने, और लेकिन जब सरकार बदली, बीच में बात रह गई थी। ये चाहते तो अधिनियम ऑर्डिनेंस ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ये एक केवल जो एससी एसटी एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस ये नहीं लेकर आए, कानून नहीं बनाए, साल से ऊपर लगा दिया। जब प्रेशर पड़ा सबका, तब इन्होंने ये कानून बनाया। हम इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, जैसा भी चाहोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो भी प्रयास कहोगे हम प्रयास करेंगे। और ये जो है वाकई वहाँ पर जाती हुई सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। कोर्ट में भी कर सकती है सरकार, कोर्ट का केवल बहाना लेना नहीं, कोर्ट से करवा सकती है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी अपना निर्वाह करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, पूरा समर्थन आपके साथ। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।